पीछे क्यों है मैम की? एक तो पुलिस कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही अभी तक है। आपको पता है अपने भाई फंसे हुए 15 लड़के, ठीक है मैम, चलो मानते हैं पैसे तो एक अलग से बात है मैम, एक बात सोचने की मैम, सभी के बच्चे हैं और सभी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, ठीक है ना मैम, और कोई माता पिता भी है, कोई स्टूडेंट भी कुछ भी हो मैम, आपको क्या चाहे गरीब घर का भी लड़का हो मैम, कोई वो और लड़का का अपने माता पिता को अच्छा नहीं लगता क्या? आप बताओ, जब मनोज पटेला लड़का उसको अपना इतना अच्छा लगता है, अभी उसने अपने बच्चे के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी कर रखी है मैम, तो हम भी किसी गरीब घर के बच्चे जरूर है मैम, भी हमारे माता पिता ने भी अपनी भूख काट कर हमको पाला और इतना बड़ा किया मैम, फिर भी हमारे माता पिता ने विश्वास करके उस एजेंट के थ्रू बारह भेजा मैम, बताओ, और हमारे साथ ये इतना बड़ा धोखा मैम, ठीक है, रुपए तो खा गया और ऊपर से बोल रहा है रुपए नहीं दे रहे, जो तेरे से होता है वो कर ले, ठीक है, एसपी ऑफिस में दरखास्त लगाई मैम, वहां मेरे को झूठा घेर दिया और मेरे ऊपर ही 420 का पर्चा कटवा दिया और मेरे को बोल रहा है तेरे को रुपए नहीं देता है, जो होता है तेरे से कर ले, मैं ठीक है, और वहां गए मैम, वहां नहीं है कुछ भी, उसने 1,00,000 रुपये काम में, वहां नहीं बचते 5,000 रुपये भी, फिर मैम वहां जाके देखो अभी वीडियो चढ़ाई है मैंने भी, मैं तो फंस गया तो फंस गया भाई, और कोई भाई मत फंसना यहाँ के, तो मेरे को एक तो जो दीपिका गोयल है उसकी वो उसका जो सुखी बनाल है उसका आ रहा है फोन है भी, तूने ये वीडियो क्यों चढ़ा रखी है, हमारी बदनामी है ऐसे वैसे है, और एक जो अपना यहाँ का भाई है अभिषेक है फतेहबाद का, और उसको भी आज थाने में बुला रखा है मैम, और बोल रहे हैं तेरे ऊपर मान आने का केस करेंगे, एक बात सोचने के मैम, आज ही हम ऐसी वीडियो क्यों डाल रही है, और आज मैं 20 साल का हो गया, मैं अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया, तो मैं आज क्यों आऊँगा मीडिया के सामने, कोई ना कोई दिक्कत है मेरे तब आया हूँ, कोई परेशानी है तब आया हूँ, क्यों आया हूँ भी, मेरा फैसला हो और न्याय हो, और जो भाई फंसे हुए हैं उनको यहाँ वापस बुलाया जाए, ठीक है मैम, और सबके साथ न्याय हो, ठीक है, उनके भाई और माता पिता पहले तो कर्जा चक्के घर पे लोन उनको भेजा है बिट्टू को, और उनके साथ ये फ्रॉड अभी मनोज बटाला का अभी तक कोई पता नहीं है, ठीक है मैम, फरवरी की थी मैम, हाँ जी मैम, वहाँ मैं रहा भी हूँ मैम 6 दिन, और वहाँ जाके देखा मैम, वहाँ कुछ काम वाम कुछ नहीं है मैम, और ये एक फ्रॉड तो रखा है उसके अलावा कुछ नहीं, वहाँ काम क्या है मैम, भी बच्चे बुलाओ और इनको फंसाओ, जैसे मेरे को वो वीजा देंगे 2,00,000 रुपये का और मैं आपको देता हूँ 4,00,000 रुपये का वीजा, तो वहाँ क्या है मैम, बच्चे हम तो फंसाएंगे, ठीक है मैम, कोई गरीब घर का बच्चा फंसेगा और हम आगे जाएंगे, ये फिर तरक्की कौन सी होगी मैम, बिल्कुल हुई थी मैम, नौकरी की भी हुई थी, ठीक है, और कमरे की भी हुई थी और रोटी पानी की भी हुई थी मैम, सभी हुई थी, और वहाँ जाके कंट्री आर्मेनिया, ठीक है, वहाँ जाके कोई रोटी पानी की तो अलग चीज दूर की बात है, वहाँ ना तो कुछ खाने के लिए ना कुछ हमारे काम के लिए, और महंगाई है इतनी ज़्यादा कि 540 रुपये के तो आलू है, बताओ मैम वहाँ क्या खा ले बंदा है, ठीक है, और ऊपर से इतने इतने रुपये ले ले, फिर भी मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैंने एजेंट को कहा भी सर कोई ना, मैं आने की भी टिकट भुगत रहा हूँ और जाने की भी भुगत रहा हूँ सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे फादर साहब ने और मेरी मदर ने भी रिक्वेस्ट की है मैम भी, आप हमारे टिकट के पैसे काट लवाने जाने के और भी हम खर्चा भुगतेंगे, लेकिन हमारे बच्चे को हमने कर्जा उठाकर बाहर भेजा है और तो पैसे हमारे वापस मोड़ो, तो बोल रहे हैं तुम्हारे मारूंगा थपड़ों की और रुपये नहीं देता एक, अब बताओ मैम हम कर भी क्या सकते हैं मैम, पुलिस तो मैम अभी तक कोई पता नहीं है मैम, कार्रवाई होती तो मैम अपने भाई जो और मैनिया बैठे हैं वो वहाँ नहीं होते मैम, अभी तक कार्रवाई होती तो है ना भाई, आप यहाँ होते हैं अपने, कार्रवाई हो कहाँ रही है मैम, मेरे बच्चे ने भेजा सी जी बहार उन्होंने कहते सी भी उत्थे मन के चलो 6,00,000 रुपया ला गया अपना भेजन से, तो उन्होंने कहते भी मन के चल दोबारे भी वो खाते पैसे पवाए 6-7 लाख रुपये वगू ला गया, उत्थे कमाउन कुछ नहीं लग्या, ना वर्क परमिट दिता ना कोई सैलरी कमाई, उन्हें घरों ही खर्चा भेजी गए हैं जी, हुण मैं तो यही मंग करता भी मेरा बच्चा घर सही सलामत पहुँच जाए, कोई वो धक्का धोखा धड़ी ना हो, अर्मेनिया भेजे जी, एक है जी मनोज पटूला एक बिमल गुप्ता जी, यह 28-3 महीने हो गए जी, उठी है जी कुछ नहीं किया जी, हूँ इन्हों क्या भी साढ़ा तो बच्चा इतने पहुँचना चाहिए जो उ कोई काम धंधा ही है नहीं गा, बच्चे ने उत्तर रखा क्यों है, और कुटमार भी पई एक दो बारी डोंकी डूंकी लाते बच्चे तो नहीं फसया बेचारा बच गया, हूँ कहने भी मेरा तो बच्चा इतने पहुँचना चाहिए है, काम लवा की गल कही सी मैंने नहीं जी लवाया नहीं गया, हूँ ती इंसाफ ही मंगता है भी बच्चा घर पहुँचना चाहिए, जो सा खर्चा होया खर्चा दे देंगे, उसके फादर हो गया क्या काम करते हो सर, दाड़ी मजदूरी करते हैं, तो क्या समझौता हुआ आज पुलिस में आपका जो एजेंट पकड़ा था इमिग्रेशन वाला, जो जी उसको 6 महीने में समझौता हो गया, बच्चे की टेट करा देंगे और घर सही सुरक्षित पहुँचा देंगे, अच्छा ये वहाँ पासपोर्ट भी दे देंगे और टेट भी करवा देंगे, टेट करा देंगे 6,00,000 रुपये देंगे, हाँ जी, तो कितने रुपये लिए थे आपसे पहले इन्होंने, पहले 5,90,000 लिया था जी, बाकी जो उसके 2 महीने दिखाई थी वो बस,
अच्छा 6 लाख रुपए दे देंगे ये, और टिकट करवा देंगे। कब तक आ जाएगा बिट्टू वापस घर? 2-3 दिन में कह रहे हैं। 2-3 दिन में, पहले भी 3 दिन का टाइम मांगा था इन्होंने, भी 3 दिन में आ जाएगा। नहीं, आप कंफर्म हो गए, बोल रहे 3 दिन में आ जाएगा। तो ये कैसे कह रहे हो आप कि कंफर्म हो जाएगा? पुलिस ने आश्वासन दिया है या पुलिस ने बोला है? पुलिस ने बोला है, तो पुलिस ने समझौता करवाया लिखित में। पैसे मिल गए? पैसे मिल गए।